नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ कुछ और फैक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ. और आज का फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इज़ अबाउट द दलित मुस्लिम यूनिटी. हम सबको पता है कि दलित्स को टारगेट किया जाता है टू एक्सप्लॉइट देम फर्दर. यस, बिकॉज हमारे देश भारत में दलित्स को रिजर्वेशन दी गई है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस. बी आर अम्बेडकर जी वॉन्टेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स टू हैपन इन इंडिया एंड ही गेव देम रिजर्वेशन. बट इन स्पाइट ऑफ रिजर्वेशन बींग गिवन टू दलित्स, हम देखते हैं कि दलित्स अभी तक काफ़ी इलिटरेट है एंड पुअर है एंड ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट किए जाते हैं हर इलेक्शन बाई दीज पॉलिटिशियंस जो उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं, ईदर टू यूज़ देम फॉर कन्वर्जन्स और टू यूज़ देम फॉर वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स. तो एक टाइम था जब दलित और मुस्लिम यूनिटी के बारे में भी प्रचार होता था. प्री इंडिपेंडेंस देयर वर लॉट ऑफ दलित लीडर्स जिन्होंने अपने फॉलोअर्स को ब्रेन वॉश किया था टू सपोर्ट मोहम्मद अली जिन्ना इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनको लगा था कि दलित्स विल बी बेटर ऑफ लिविंग विद मुस्लिम्स इन पाकिस्तान. बट ऑब्वियसली ये उनकी मिस इन्फॉर्मेशन थी, ये उनका गलत सोच था जो ऑब्वियसली कुछ दिनों के बाद ही फूट गया, क्योंकि देयर वॉज एन एसोसिएट ऑफ बी आर अम्बेडकर दलित लीडर कॉल्ड एज जोगिंदर नाथ मंडल जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने पाकिस्तान के. मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट एंड केम बैक टू इंडिया बिकॉज ही रियलाइज्ड कि अ नॉन मुस्लिम कैन लिव विद एन इस्लामिस्ट ओनली इफ ही कन्वर्ट्स इनटू इस्लाम. सो ये थॉट प्रोसेस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पे भी दलित्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है. एक दलित एक्टिविस्ट आके अपनी रोनी वाली कहानी कोई बताती है मन घड़त टू द सीईओ ऑफ ट्विटर, द लेफ्ट लीनिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. और वो प्लेटफॉर्म का सीईओ जैक डॉर्सी एक प्ले कार्ड लेके खड़ा हो जाता है, स्टॉप ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, एंड ऑब्वियसली टारगेट करता है हमारे हिंदू धर्म के वर्णास को. ब्राह्मण बिलोंगिंग टू द वर्णा दैट teaches religious information, which imparts religious information. So obviously Dalits ko exploit kiya gaya pre-independence, Dalits ko exploit kiya gaya post-independence aur Dalit ko exploit kiya jata hai abhi bhi, kyunki humne recently suna kaise Ramalingam ek Hindu activist ko maar diya gaya when he tried to stop the Islamic clerics from brainwashing the Dalits who had come in Tamil Nadu in that particular place where Ramalingam was working. तो ये दिखाता है कि दलित्स अभी तक इग्नोरेंट है, इलिटरेट है एंड हैव नॉट बीन एबल टू अवेल द रिजर्वेशंस मेंट फॉर देम बाय बीआर अंबेडकर जी. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट. हम सबको पता है कि वाल्मीकि समुदाय के दलित्स भी रहते थे और रहते हैं आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर में, जिनको मुसलमान ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूज़ करते हैं फॉर द साफ सफाई का काम, बट हैव नॉट गिवन देम सिटीजनशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ऑब्वियसली कुछ रिजर्वेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास किया गया है. जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 पास किया गया है रिसेंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच ऑब्वियसली विल बेनिफिट दीज पीपल जो रहते हैं इन एरियाज एडजॉइनिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड द LOC टू अवेल दीज रिजर्वेशंस मेंट फॉर दैट इज़ द 10% कोटा इन द जनरल कैटेगरी एज वेल एज प्रमोशंस फॉर देम इन जॉब्स. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि दलित मुस्लिम यूनिटी ये थॉट प्रोसेस को प्री इंडिया इंडिपेंडेंस भी यूज़ करने की कोशिश करी गई है बाय पीपल हु ऑब्वियसली सपोर्टेड मोहम्मद अली जिन्ना इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान. बट ऑब्वियसली पाकिस्तान बनने के बाद उनको लात मार दी गई है. सेम दलित मुस्लिम यूनिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है आज के टाइम पे बाय सर्टन फेक दलित लीडर्स जिनके नाम भी मुझे नहीं पता. बट ऑब्वियसली मैं कोई भीम आर्मी करके देखती हूँ कोई पोलिटिकल पार्टी इधर उधर घूम रही होती है बी आर अम्बेडकर जी की फोटोग्राफ लगा के. सो ये दिखाता है कि हिंदूज को टारगेट किया जाता है हर दम, बिकॉज ऑब्वियसली हिंदूज के अंदर वेरियस वर्नास हैं, हिंदुत्व के वेरियस डेरिवेटिव्स हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म. बट ये बात हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करने में ऐतराते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम सब भेड़ बकरी है एंड वी जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो ऑफ अर्निंग मनी एंड नॉट एक्चुअली रियलाइजिंग वॉट आर हिस्ट्री इज और कैसे हम हिंदुओं को इतने सालों से एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय कन्वर्टिंग आर वर्नास इन टू जातीज, विच वॉज डन प्री इंडिपेंडेंस ऑल्सो और वो अभी तक होता हुआ आ रहा है. नमस्कार.